वहीं रेलवे प्रशासन को ट्रेनों का संचालन शुरू किए करीब 50 दिन हो चुके हैं। 12 मई से रेलवे प्रशासन ने 30 स्पेशल ट्रेनों के साथ शुरुआत की थी। 1 जून से 200 और ट्रेनें शुरू की गई, फिर भी ट्रेनें खाली दौड़ रही हैं। इसे कोरोना का डर कहें या फिर 14 दिन क्वारंटीन में जाने का डर, यात्री ट्रेनों में सफर करने से बच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में फिलहाल 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 30 ट्रेनें 12 मई और 200 स्पेशल ट्रेनें 1 जून से चल रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे से भी 13 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है, लेकिन ट्रेनों में इन दिनों यात्री भार काफी कम दिख रहा है। रेलवे प्रशासन ने अब टिकट बुकिंग के लिए तत्काल की सुविधा भी शुरू कर दी है। फिर भी जयपुर से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन में तत्काल बुकिंग को लेकर यात्रियों में रुझान नहीं दिख रहा। जोधपुर से जयपुर होकर हावड़ा आने और जाने वाली ट्रेन के अलावा सभी 13 ट्रेनों में यात्री भार महज 20 से 25% दिख रहा है। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पीक रूट्स पर ट्रेनों का संचालन होना नहीं है। अभी जयपुर से जिन रूट्स पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, उन रूट्स पर पीक सीजन में सीटों की इतनी मारामारी नहीं होती थी। मुंबई रूट पर ट्रेनें फुल रहती थी, लेकिन मुंबई में इन दिनों कोरोना संक्रमण ज्यादा होने के चलते लोग सफर करने से डर रहे हैं। जोधपुर अहमदाबाद रूटों पर यात्री भार काफी कम है, तो वहीं यूपी बिहार के लिए ट्रेनों का संचालन कम है। इस रूट पर अभी मात्र 1 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इस ट्रेन में यात्री भार काफी अच्छा है। जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, बीकानेर कोलकाता एक्सप्रेस और जयपुर इलाहाबाद जैसी उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकप्रिय ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते ट्रेनों में यात्री भार बढ़ नहीं पा रहा है। हालांकि रेलवे इसी महीने अब स्पेशल नंबर से वर्तमान में संचालित हो रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त लोकप्रिय रूटों पर और ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने निर्देश दिए हैं कि रेलवे के काउंटर्स के अलावा IRCTC की वेबसाइट, अधिकृत पोस्ट ऑफिस, अधिकृत एजेंट या कॉमन सर्विस सेंटर से भी तत्काल टिकट बुक करवाई जा सकती है। तत्काल टिकट के लिए संबंधित व्यक्ति के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक या पासपोर्ट होना जरूरी है। बहरहाल जब तक जयपुर से लोकप्रिय रूटों पर ट्रेनों का संचालन नहीं बढ़ेगा, तब तक ट्रेनों में यात्री भार बढ़ना मुश्किल है। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।